हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ एशियन ग्रीन बी ईटर बर्ड के बारे में कुछ फैक्ट्स शेयर करूंगी। सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहती हूँ, जब मैं पहली बार ये पक्षी को देखा तो मुझे लगा था ये बेबी पैरट है, बट ये पैरट नहीं है। दूर से देखा तो पैरट जैसे दिखते हैं। एशियन ग्रीन बी ईटर बर्ड ग्रीन कलर का होते हैं, बट उनका जो हेड है वो येलो या तो रेडिश ऑरेंज कलर का होता है। ये पक्षी को ज़्यादा करके हनीबीज खाना पसंद है, बट हनीबी के अलावा वो लोग बटरफ्लाई, बिटल्स, ड्रैगनफ्लाई भी खाते हैं। ज़्यादा करके वो लोग ट्री के टॉप ब्रांचेस में बैठना पसंद करते हैं, ताकि वो आसानी से इजीली इंसेक्ट को पकड़ पाए। इस पक्षी का सेंट्रल टेल फेदर का कलर बहुत ही ग्रेसफुल होता है। एशियन ग्रीन बी ईटर बर्ड का जो विंग है वो पॉइंटेड होता है, उनका टेल भी पॉइंटेड और लॉन्ग होता है, जिसके वजह से वो लोग जिगजैग मूवमेंट कर पाते हैं और वो लोग डायरेक्टली फ्लाई करते हैं। इस पक्षी का साइज बहुत ही छोटा होता है, अबाउट 9 इंचेस के जैसे लंबा होते हैं, और उनका जो टेल है वो 2 इंचेस लंबा होता है। इनके कुल 25 स्पीशीज दिखाई देते हैं। एशियन ग्रीन बी ईटर बर्ड डस्ट बथिंग करना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। उनके फेदर्स को हेल्दी रखने के लिए वो लोग सारे बर्ड्स एक साथ मिलकर डस्ट बथ लेते हैं, और वो नज़ारा बहुत ही सुंदर दिखता है। इस पक्षी का साउंड थोड़ा बहुत झुंझुनी के साउंड के जैसे सुनाई देते हैं, जैसे कि ट्री 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 ट्री, ट्री।